Okay students, welcome to all of you. Today we start class 10, chapter 1, real number, exercise 1.4. Exercise 1.4. तो 1.4 exercise में देखिए आपको क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास जिसमें डिस्कशन कर रहा है, तो उस क्वेश्चन के डिस्कशन को देखिए. Without actually performing the long division, without long division के whether the following rational number will have a terminating decimal expansion, non-terminating repeating decimal expansion. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करते हैं, ठीक है. कोई भी नंबर हमारे पास p by q की फॉर्म में होता है, उस q की वैल्यू देखिए बेटा, जो q है अगर आपको टर्मिनेटिंग बनाना है, आपको क्या करना है, ये टर्मिनेटिंग बनाना है. कैसा बनाना है आप लोगों ने, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाना है. तो वैल्यू ऑफ q शुड बी इन फॉर्म ऑफ 2 into 5 की फॉर्म में होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है, अगर आपको टर्मिनेटिंग बनाना है. और यही नंबर आपको नॉन टर्मिनेटिंग बनाना है, दैट मीन नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए. तो आपकी जो p by q है, q में आपके पास फैक्टर, हेयर इज अ फैक्टर अदर देन टू एंड फाइव के अलावा कोई फैक्टर भी हो सकता है, तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा. एग्जाम्पल देखते हैं टर्मिनेटिंग का. तो देखिए मैं जैसे यहाँ पे आपके पास लिख देता हूँ 1 upon 20 को हम फैक्टराइज करते हैं, तो आप देखिए क्या बनेगा आपका 5 into 2 square. अब इसे डिवाइड कर लीजिए तो डिवाइड होगा 20, और आपको 1 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा बेटा 120, तो आपका पॉइंट आ जाएगा 0, फिर पॉइंट 0 आ जाएगा 0, 25 100 आ जाएगा आपके पास. देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.05. कैसा हो गया, ये टर्मिनेट हो गया. क्या हो गया आपका, टर्मिनेट हो गया. हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग देखिए सेम नंबर ले रहा हूं मैं आपका 1/30 ले लेते हैं, 1/30, ठीक है. अब देखिए आपके पास क्या हो गया 1/30 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 into 6, और 6 को क्या करेंगे 2 into 3. तो देखिए आपके पास यहाँ पे फैक्टर अदर देन 2 and 5 के अलावा कोई फैक्टर भी अगर होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. देखिए 3 आ रहा है 2 and 5 के अलावा, तो आपका कैसा नंबर हो गया, आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया. लेट्स चेक, इसे चेक कर लेते हैं. तो 30 आ गया आपके पास, 1 आ गया, तो पॉइंट का आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 0, फिर एक 0 लगाएंगे 0, तो 33 का कितना हो जाएगा, ठीक है 90, कितना हो जाएगा 33 का 90, फिर वापस क्या आ जाएगा 10, फिर एक क्या लगेगा 0, फिर 33 का क्या हो जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है आपके पास. देखिए सॉरी, हाँ पॉइंट आ गया, पॉइंट का आपका 0 आया, फिर एक 0 और लगाया हम लोगों ने, 33 से 90 आ गया, फिर आपके पास 90 का 10 आ गया, फिर आपका सेम आपका 33 से 90. तो इस तरह से आपका चलता जाएगा, ठीक है, ये देखिए रिपीट होता जाएगा, कंटिन्यूस चलता जाएगा आप लोगों का. आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके देखिए हर बार क्या आ रहा है, 10 आ जा रहा है, फिर आप क्या करेंगे दोबारा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिर आपका 10 आ जाएगा. तो कैसा नंबर बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग. तो देखिए किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 2 and 5 के अलावा कोई और फैक्टर है, फैक्टर अदर देन 2 and 5 के अलावा कोई और फैक्टर है, तो आपका नंबर कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा. लेकिन अगर आपके पास किसी क्यू का जो फैक्टर 2 into 5, दैट मीन किस फॉर्म में, 2 into only 2 and 5 के फॉर्म में, तो कैसा नंबर होगा हमारे पास, वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा. हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इतना हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझ लें, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है. तो देखें आप जो क्वेश्चन देखते हैं पहला, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ बेटा 13/3125. तो 3125 को चेक करेंगे तो विदाउट एक्चुअली डिवीजन, यहाँ डिवीजन नहीं करना फिर बताना हमें. तो 5 6 30 5 2 10 5 5 25 5 1 5 5 2 10 5 5 25 5 2 10 5 5 25 5 1 5 आपके पास आ गया. 3125 को क्या लिख सकते हैं बेटा आप लोग 1 2 3 4 5 5 to the power 5 आप लोगों ने लिख लिया. अभी आपको बताया गया कि डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, फैक्टर ऑफ 2 and 5 का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, या तो 2 का होना चाहिए या 5 का होना चाहिए, या दोनों का होना चाहिए, ठीक है. ठीक है, 13/2 to the power 5 आ गया. अभी देखिए यहाँ पे बात आती है, 2 आ रहा है तो आपका कैसा नंबर है, आप शुरू में बता दो, विदाउट सॉल्विंग बताना हो तो आपका कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया. कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया. लेकिन आप लोगों को बोला गया कि निकाल के बताइए कि निकाल के आंसर क्या आएगा. तो देखिए 5 to the power 5 है, ठीक है, तो कैसा टर्मिनेटिंग हो गया. आप देखिए इसे बनाना, तो हम क्या करते हैं, जितने कम होते हैं 2 to the power 5 से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. तो 30 into 2 to the power 5 को करेंगे 2 to 4 to 8 to 16, 32 ऊपर आ गया, 32 नीचे. देखिए क्या आप लोगों ने पढ़ा है, am into bm, अगर आपके बेस है, पावर अगर आपके सेम है, तो आप a into b to the power m लिख सकते हैं हम लोग से, तो आपका क्या बन जाएगा 5 into 2 to the power 5. तो देखिए कितना हो जाएगा, 13 2 26 का आपका 2 आ गया, 13 3 39 41 आ गया, तो कितना आ जाएगा 10 to the power 5 आ जाएगा. तो 4 1 6
1, 2, 3, 4, 5 ये आपके पास नंबर आ गया। तो देखिए अगर करेंगे 6, 1, 4, 0, 0 ये आपके पास कौन सा नंबर आ गया, ये आपका आ गया टर्मिनेटिंग नंबर। तो आपको देखिए पहले विदाउट सॉल्विंग बताना था कि विदाउट सॉल्व किए आपने बता दिया कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग है बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 आ रहा था। फिर आपने टर्मिनेटिंग बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके टर्मिनेटिंग करके आपने इसका आंसर भी निकाल लिया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे आपके पास इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है 17/8 है, 17/8 तो 17/8 को आप लोग 2 क्यों लिख सकते हैं, तो कैसा नंबर है अभी 2 आ गया तो आपको कैसा हो गया टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, कैसा हो गया टर्मिनेटिंग। तो आप क्या करेंगे बेटा इसको इसकी वैल्यू निकालने के लिए 5q से मल्टीप्लाई 5q से डिवाइड करेंगे। तो 17, 5, 5, 25, 125 आ गया, 2 × 5^3 या 3 आ गया, सेम फॉर्मुला हमने इसको लगा दिया, ठीक है। तो 17, 5 से 85, 8 आ गया, 17, 2 से 34, 34 और 8 आपका 42, 4 हो गया, 17, 1 से 17 and 4 कितना हो जाएगा 21, 2, 1, 2, 5 आ गया, नीचे आपका 10^3 आ गया, तो आपका 2, 1, 2, 5 / 1, 2, 3 ये आपका 1000 आ गया, तो 2.125 आपका आंसर आ गया, ठीक है कैसा है टर्मिनेटिंग। समझ आ रही है आप लोगों को बात है, तो आप लोगों को देखिए अगर आप थोड़ा सा और समझते हैं इस क्वेश्चन को तो आप देखिए आपके पास आप थर्ड पार्ट को हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। थर्ड पार्ट में आपके पास 64 थर्ड पार्ट में आपके पास देखिए क्या बोला गया 64 अपॉन में 445। तो सॉल्व करते हैं इसको, 445 को 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 9 45 515 और आपका आपका कितना हो जाएगा 7 1 7 7 321 13 1 13। तो देखिए आपका 64 आपका 5 × 7 × 13 आप देखिए इसके डिनोमिनेटर में 5 के अलावा 2 फैक्टर्स आ गए, वो जो आपके फैक्टर है आपके पास 7 and 13 है। सेकंड थिंग 5 के सिर्फ ओनली 5 फैक्टर होता तो टर्मिनेटिंग था, ओनली 2 फैक्टर होता टर्मिनेटिंग था, 5 and 2 होता तो भी टर्मिनेटिंग था, लेकिन 5 के अलावा 7 and 13 आ गया, तो कैसा नंबर हो गया हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। कैसा हो गया बेटा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं हम लोग इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट नहीं हम लोग इसका सिक्स्थ पार्ट कर लेते हैं, ठीक है फोर्थ पार्ट इजी है। सिक्स्थ में देखिए आप लोगों को बोला गया 23 अपॉन में 2 क्यूब × 5 स्क्वायर। तो कैसा नंबर है देखिए जब चलता है आपका टर्मिनेटिंग है बिकॉज डिनोमिनेटर में 2 and 5 है। तो देखिए 23 आपके पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर रखता हूँ, 5 का स्क्वायर रखता हूँ, 2 को अलग देखता हूँ, तो आप जानते हैं 23 अपॉन कितना बन जाएगा 10 स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर 2 बन जाएगा। अब देखिए इस 2 को भी अगर मुझे खत्म करना है तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो 25 3 15 1 5 3 15 1 5 2 10 11 115 यहाँ पे 10 स्क्वायर हो गया और 5 2 10 हो गया, ठीक है बेटा देखिए 5 2 10 का स्क्वायर 5 2 10 115 तो 115 डिवाइड में कितना आ गया 1 2 3000 तो पॉइंट आपको कितना आ गया 0.115 आपका आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा आपका 0.115। अभी आप मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ना कि आप लोगों का ये नंबर तो कैसा होगा ये टर्मिनेटिंग होगा, कैसा होगा ये टर्मिनेटिंग होगा, तो हम लोगों ने निकाल के इसको बता दिया। क्या बताया हम लोगों ने कि हमारा आंसर क्या आ रहा है ये टर्मिनेटिंग आ रहा है, क्लियर है। तो आप लोग बेटा अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी नए अपडेट्स उसमें आते रहे। अभी आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, इससे रिलेटेड जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनकी सीरीज या तो मैं चैप्टर 2 स्टार्ट कराऊंगा या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट कराएंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और आपको तभी समझ आएगी जब आपने पूरी पूरी सारी वीडियोज देखी होंगी। इसलिए सीरियल वाइज सारी वीडियो जो आपके पास है उनको देखिए समझिए, और नहीं आपको समझ आता तो आप डाउट कमेंट्स में डालिए, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, फिर आपकी नई वीडियो जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे।